हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टाइल कुकिंग बाय पूजा। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है सोड़े भात। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि सोड़े किसे कहते हैं। तो सोड़े मतलब ड्राई प्रॉन्स। तो ये देखिए, ड्राई प्रॉन्स में भी दो अलग अलग प्रकार होते हैं। ये जो प्रॉन्स है ये ड्राई प्रॉन्स ही है, लेकिन ये छिलके के साथ, मतलब उसका जो ऊपर का शेल होता है वो निकाले बिना ही इसको सुखा देते, तो इसे सुकड़ बोलते हैं। और ये वाले जो प्रॉन्स है इसे बोलते हैं सोड़े। तो इसको ऊपर का शेल निकाल के फिर सुखाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है सोड़े भात। तो हम बनाएंगे ये वाले जो सूखे प्रॉन्स है जिसे सोड़े बोलते हैं उसके साथ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरी सोड़े गर्म पानी में ये आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, और आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो गए, क्योंकि ये जब सुखाते हैं तब उसके ऊपर मिट्टी धूल सब बैठ जाती है। तो अभी मैंने पानी में रखे थे, इसके वजह से ये देखिए कितने एकदम क्लीन हो गए हैं और थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब मैं ये इसमें से ये पानी निकाल देती हूँ और फिर से दो तीन बार पानी से अच्छे से धो के लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से सोड़े लिए हैं उसी कटोरी से मैंने 2 कप बासमती चावल लिए हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बासमती चावल से ही ये आप भात बनाओ, आप सिंपल कोलम राइस या जो भी रेगुलर राइस खाते हो उसी के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हो। तो मैंने 1 कटोरी सोडे लिए थे तो 2 कटोरी चावल लिया है। इसे मैंने 15 मिनट पहले धो के फिर सोक करने के लिए रखा था। यहाँ पे मैंने कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा था। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 6-7 ब्लैक पेपर। इसी में मैं डालूंगी ये 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने स्लाइस कट करके लिया है। आज की हमारी रेसिपी वैसे तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये जो सोड़े होते हैं वो बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। उसके वजह से ये जो हम आज राइस बना रहे हैं वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज यहाँ पे जो मैं सोड़े यूज़ कर रही हूँ उसको नमक नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि कई कई जगह पे उसको नमक लगा के फिर सुखाते हैं, तो वो हिसाब से आप इसमें फिर नमक डालिए। क्योंकि हम पानी से उसको धो के तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्टीनेस उसमें फिर भी रह जाता है। अपना प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें जाएगा ये 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो फ्रेंड्स, आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ पे ये ड्राई प्रॉन्स को क्या बोलते हैं वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए, यहाँ पे अपना टमाटर हल्का हल्का गलने लगा है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून धना और जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला और अब स्वादानुसार नमक। ये सारे मसाले मैं पहले मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। और अब मैं इसमें डालूँगी ये सोडे। अब ये मसाले में सोडे अच्छे से मैं पहले भून लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे 1-2 मिनट मैंने इनको अच्छे से भून लिए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये चावल, और अब चावल को भी मैं हल्के हाथ से इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि हमने चावल सोक करके लिए है। अगर हम ज़्यादा इन्हें चलाएंगे तो चावल टूट सकते हैं। तो चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद और 1 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, तो उस हिसाब से 4 कटोरी पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था, वो पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। और कोई भी राइस बनाते समय या पुलाव बनाते समय हम उसमें गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे, तो ही अपना चावल जो है वो एकदम खिला खिला बनेगा। और अब मैं ये कुकर को ढक्कन लगा के इसे 3 सीटी निकाल देती हूँ। यहाँ पे अपना कुकर ठंडा भी हो गया है, तो अब हम इसे खोल के देखेंगे। वाह, ये देखिए कितना बढ़िया एकदम अपना राइस तैयार हो गया है। इसको ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ मैं और हल्के हाथ से मिक्स कर देती हूँ। और आप देख सकते हो कितना एकदम खिला खिला राइस अपना बन गया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम गर्मा गर्म और झणझणित सोड़े भात अपना तैयार हो गया है।
तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो कि कितना एकदम खिला खिला राइस अपना बन गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये राइस कभी नहीं बनाया है और नहीं खाया है तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और अभी ठंडी के दिनों में गर्मा गर्म तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स आप ये मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कॉमेंट करना मत भूलना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू।